जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, हम दूर हम जोर जोर के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हम जोर जोर के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मैं इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। आज किस तरह का आप लोगों का उपवास है और क्या कुछ यहाँ पे है? हम लोगों का उपवास आज है, हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी जेल में हर शुक्रवार को उपवास रखेंगे और उन्होंने हम लोगों को संदेश भिजवाया है कि भारत माता के चित्र पर मूर्ति पे माल्यार्पण कर उनको पुष्प अर्जित कर हम लोग भी पूरे शुक्रवार का एक दिन का उपवास रखें और हर शुक्रवार को हम लोग उपवास रखेंगे ताकि भारत माँ उनको शक्ति प्रदान करें इस निरंकुश सरकार से लड़ने के लिए। क्या इस उपवास को राजनीति मोहरा भी देख लिया जाए आप लोग, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है और आप लोग कहीं ना कहीं जेल में उपवास और सड़कों पर उपवास पे, क्या इसको दिखाना चाह रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? हम लोग भारत माँ का मूर्ति पे माल्यार्पण कर उपवास कर दिखाना नहीं चाहते हैं। हम लोग आत्मबल, आत्मशक्ति और संजय भैया को हम लोग इस भारत माँ के उपवास करने से संजय भैया को इतनी शक्ति भारत माँ दें कि वो निरंकुश सरकार से लड़ाई लड़ें और मजमूलों का, गरीबों का, शोषणों का, सबकी जो है लड़ाई लड़ सकें। कितनी संख्या में आज आप लोग यहाँ पर? अभी तो हम लोग आ रहे हैं, शुरू हो रहे हैं अभी भी, फिर भी 30-40 लोग ही हैं और अभी लोग आ रहे हैं, 50-60 लोग हैं अभी लोग आ रहे हैं। क्या जब तक संजय सिंह की रिहाई नहीं होती है तब तक आप लोग ऐसे ही? हर शुक्रवार को हम लोग उपवास करेंगे जैसा ऊपर से निर्देश है। पूरे कार्यकर्ता खाना वाना नहीं खाएंगे कुछ भी जैसे संजय सिंह? नहीं, ऐसे उपवास रखना। डॉक्टर अखिलेश पांडे, जिला महासचिव आम आदमी पार्टी वाराणसी। अखिलेश जी, आज आप लोग उपवास पे हैं, जी मामला है, इसलिए उपवास है। देखिए, हम लोग एक भ्रष्टाचार विरोध में हम लोग पूरे भारत में राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं, संसद भवन में, सड़क पे, हर जगह। और एक हमारे संसद की आवाज़, इसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ अनवरत अपने संसद भवन में आवाज़ उठाते हैं, देश की आवाज़, आवाम की आवाज़ बनकर, भारत की आवाज़ बनकर वो बुलंद रह करते हैं अपनी आवाज़ को। उनके आवाज़ को रोकने के लिए गलत तरीके से ईडी के माध्यम से, एक तंत्र के माध्यम से उनको जेल का रास्ता दिखाया जाता है। हम लोग गांधीवादी तरीके से जेल के अंदर पूरे राष्ट्र को एक संदेश देना चाहते हैं। शुक्रवार को हमारे राष्ट्रसभा सांसद उपवास के माध्यम से, एक मिशन के माध्यम से, एक जनता के दिलों के अंदर उपवास के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि गांधीवादी तरीके से भारत को पुनः जगाने की ज़रूरत है भ्रष्टाचार के खिलाफ। सीधा मूल मंत्र हमारा है राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर करना है, पॉलिटिकल करप्शन को दूर करने के लिए। आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हम लोग आज उपवास कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों के संख्या में हमारे आम आदमी पार्टी के साथी, हमारे बीच में कलाक पटेल जी, शारदा टंडन, रेखा जायसवाल जी, हमारे जिला कमेटी के हमारे कन्हैया जी, मुन्ना जी, तमाम हमारे साथी आज उपवास में बैठे हुए हैं और हम लोग अनवरत हर शुक्रवार को हम लोग उपवास करेंगे और एक मैसेज देंगे भारत को। जो संसद भवन के बैठने वाले लोग हैं, जो सरकार के साथ हुए, उन्हें एक आवाज़ देना चाहते हैं कि कम कम अब तो जाग जाओ यार, कम कम देश को जगा दो। गोरे अंग्रेज चले गए, कांगड़े अंग्रेज अभी बच गए, उनके खिलाफ हम लोग एक मूवमेंट चला रहे हैं पूरे देश के अंदर। आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, उस आंदोलन के सचेतक के रूप में हम लोग यहाँ राष्ट्रपति के रूप में आज हम लोग उपवास रख रहे हैं। मीडिया बंधुओं को सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोग हमें का। शारदा टंडन, पूर्व मेयर प्रत्याशी आम आदमी पार्टी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। विपक्ष को मनमाने तरीके से मोदी जी ईडी और सीबीआई के द्वारा डरा रहे हैं। हम बोलना मुश्किल हुआ है, हम सही आवाज़ नहीं उठा सकते हैं।
खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो लोग गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं गरीबों के लिए, तो उनको CBI और EDI के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कोई भी भाजपा का नेता क्यों नहीं CBI EDI जा रही उनके पास, खुलेआम वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुलेआम अपराध कर रहे हैं, उनके पास CBI EDI क्यों नहीं जा रही है। तो यही कहना चाहते हैं मोदी जी, अब आप संभल जाइए, 2024 में जनता आपको अच्छी तरह से जवाब देने वाली है। और ये संजय सिंह को जिस तरह इन्होंने गिरफ्तार किया है हमारे सांसद, देखिए वो जनता की आवाज़ है और वो हर गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, रेड़ी पटरी वाले सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि विपक्ष को डराना बंद करें, विपक्ष अब आपको 2024 में मुंह तोड़ जवाब जनता आपको देगी, विपक्ष को डराना बंद करें। कैलाश पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, काशी प्रांत, उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे कैलाश जी, आज से उपवास का सिलसिला आप लोगों के पास? उपवास का जो कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं या क्या पूरे देश में लगभग कर रहे हैं, और उद्देश्य है हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी को ED के जरिए गलत तरीके से जेल की सलाखों में डाला गया, उनकी रिहाई के लिए हम लोग ये उपवास रख रहे हैं। और ये मानना है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचार को दूर करने में, जड़ से मिटाने में लगी हुई है, दिल्ली के अंदर, अब पंजाब के अंदर, चूँकि हम भ्रष्टाचार को दूर कर रहे हैं इसलिए जनहित में काम कर पा रहे हैं। अपने दिल्ली और पंजाब क्षेत्र के करोड़ों बच्चों को निःशुल्क और बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्थाएँ दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ दे रहे हैं, और महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं, उनको ढेर सारी सुविधाएं दे रहे हैं। अर्थात भारत की, भारत का जो संविधान है, संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लिखा, जो दिया हमें आप सबको, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिकों को प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर, हक और अधिकार की जो आज़ादी उन्होंने दी, इस वर्तमान प्रदेश और केंद्र की सरकार द्वारा उसे रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। और चूँकि ये देश के बच्चों को शिक्षा से शिक्षा विहीन करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं करना चाहते, और हमारी पार्टी इसी पर काम कर रही है, इसलिए घबराए हुए।